वेलकम बैक टू द कॉलेज बूस्ट। मैं हूं आपका प्रतीक है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे BMS IT एंड M यानी BMS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के बारे में, जो कि लोकेटेड है आपको बेंगलुरु कर्नाटक में, जिसे इंडिया के सिलिकॉन वैली एंड टेक सिटी के नेम से भी जानते हैं, जहां आपको बहुत सारी MNCs देखने को मिलेगी। एंड अगर आप एक अच्छे कॉलेज से हो तो यहां पे प्लेसमेंट आपकी थोड़ी सी ईजी हो जाएगी, क्योंकि आपको बहुत सारी कॉलेज देखने को मिलेंगे स्पेशली बेंगलुरु के अंदर कर्नाटक में। तो आज हम BMS IT के बारे में बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले डोंट फॉरगेट टू हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर, क्योंकि आपको सारी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिलते रहे। एंड वीडियो को लाइक करना एकदम से ना भूलें। एंड बहुत हमारी चैनल को जरूर से चेकआउट कर लें, आपको बहुत सारे कॉलेजेस की रिव्यू देखने को मिलेगी स्पेशली फॉर बेंगलुरु कॉलेजेस। सो लेट्स स्टार्ट। BMS IT यानी BMS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ठीक है। इस कॉलेज के बारे में बताऊं तो 2002 में एस्टैब्लिश हुई थी ये कॉलेज। एंड दिस कॉलेज इज आल्सो नोन एज द सेकंड कैंपस ऑफ BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। कैंपस साइज की बात करूं तो 25 एकर्स का लश ग्रीन कैंपस आपको BMS IT प्रोवाइड करवाता है। एंड अप्रूवल्स की बात करूं तो कॉलेज आपको NBA अप्रूव्ड है, AICTE अप्रूव्ड है, NAC अप्रूव्ड है। एंड बात करूं तो ये आपको VTU से अफिलेटेड है एक कॉलेज, क्योंकि जाहिर सी बात है विश्व सारा टेक्निकल यूनिवर्सिटी, यहां से आपको ज्यादातर टेक्निकल कॉलेजेस अफिलेटेड है बैंगलोर के अंदर। एंड यहां से आपको हाउ टू रीच के बारे में बताऊं तो यहां पे नजदीकी एयरपोर्ट है आपको कैंपेगौरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नेम से भी जानते हैं, जो कि आपको कॉलेज से 28 किलोमीटर की दूरी पर, यानी 40 मिनट के आसपास आपको लग जाएगी आने जाने में बैंगलोर एयरपोर्ट से कॉलेज में। यहां से नजदीकी रेलवे स्टेशन है आपको येलहंका रेलवे स्टेशन, जैसे कि ये कॉलेज आपको लोकेटेड है येलहंका बेंगलुरु के अंदर। एंड येलहंका रेलवे स्टेशन, येलहंका जंक्शन आपको नजदीकी रेलवे स्टेशन है आपको कॉलेज से, जो कि आपको 77.2 किलोमीटर की दूरी पर। कैब्स एंड बसेस आपको इजिली अवेलेबल है इस लोकेशन पर जहां पे आपको ये कॉलेज है, ठीक है। तो इसकी कोई टेंशन बात नहीं है, यहाँ पे आप कैसे पहुंच सकते हो, इसलिए आप कैब लेकर इस कॉलेज में पहुंच सकते हो। बात करो इसकी रैंकिंग की तो 2019 में से 157 रैंक किया गया था आपको NIRF रैंकिंग के द्वारा। एंड 2020 में इस कॉलेज को रैंक किया गया 169 बाई NIRF। बात करो इसके अंदर तो यहाँ पे आपको 3250 UG स्टूडेंट्स मिलेंगे कैंपस में। 11 कोर्सेज आपको प्रोवाइड करवाता है BMS IT। एंड यहाँ पे आपको 170 फैकल्टी देखने को मिलेंगे कॉलेज के अंदर, जिसमें सबको बहुत सारे PhD होल्डर्स भी हैं। एडमिशन्स के बारे में बात करूं तो यहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि क्लास 12th आप पास आउट होने चाहिए एंड 45% मार्क्स आपकी एग्रीगेट होनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में, अगर आप कर्नाटका से हो या फिर आप नॉन कर्नाटका से हो। 45% मार्क्स एग्रीगेट होनी चाहिए PCM में। अगर आप कर्नाटका से SC ST या OBC कैटेगरी हो, सिर्फ कर्नाटका से SC ST या OBC, तो आपको 40% एग्रीगेट इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स चलेगा। पर अदर स्टेट्स वालों के लिए 45% मार्क्स ऑल कैटेगरीज के अंदर इंपॉर्टेंट है एग्रीगेट इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। बात करो कौन कौन से एग्जाम एक्सेप्टेबल है इस कॉलेज के अंदर, तो इस कॉलेज में आप दो एग्जाम के थ्रू आ सकते हो, KCET एंड कॉमेट के एग्जाम के थ्रू। KCET जो की होती है स्पेशली फॉर कर्नाटका स्टूडेंट्स, एंड कॉमेट की एग्जाम जो की होती है ऑल इंडिया एग्जाम, ठीक है, उसके थ्रू आप इस कॉलेज के अंदर आ सकते हो। इसकी कट ऑफ मैं आपको आगे चलकर इस वीडियो में बता दूंगा, बहुत चीज आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना, कहीं पर भी स्किप मत करना। बात करो इसके अंदर एक और मोड है एडमिशन की, जो कि है मैनेजमेंट कोटा के थ्रू। अगर आपकी रैंक उसके आसपास नहीं आ पाती, आपको ये कॉलेज नहीं मिल पाती, अगर आप चाहते हो इस कॉलेज में एडमिशन लेना BMS IT में, तो आप डिस्क्रिप्शन पे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जा सकते हो कॉलेज बूस्ट की, या फिर आप वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगी, या फिर आप वहाँ पे मेल जाके कर सकते हो। एंड वहाँ पे आप रीच कर सकते हो हमारे कॉलेज बूस्ट की एडमिशन टीम से, जो कि आपकी हेल्प करेंगे इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए थ्रू मैनेजमेंट कोटा, ओके। एंड अगली चीज हम बात करते हैं इस कॉलेज की कट ऑफ के बारे में, तो कट ऑफ इस कॉलेज की आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही होगी, ठीक है, उसे आप चेकआउट कर सकते हो। एंड BMS IT आपको बैंगलोर की टॉप 10 कॉलेजेस में से एक कॉलेज है, जो कि आपको शायद नंबर 8 या नंबर 9 पर रैंक कर रही है। बात करूं ब्रांचेस की तो ब्रांचेस भी आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रही होगी, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपको एक स्पेशलाइजेशन भी अवेलेबल है, जो कि है आपको AI एंड मशीन लर्निंग, ठीक है, उसे आप चेकआउट कर लो। एंड यहाँ पे आपको सीट मैट्रिक्स की बात करूं इस कॉलेज के अंदर, कितनी सीट्स आपको हर ब्रांचेस के अंदर अवेलेबल है इंजीनियरिंग की, तो वो आपके स्क्रीन के ऊपर भी डिस्प्ले हो रही होगी, उसे भी आप चेकआउट कर सकते हो। अगली चीज बात करता हूँ इस कॉलेज की फीस के बारे में, तो फीस आप देखोगे यहाँ पे KCET एंड कॉमेट के की फीस में थोड़ी सी आपको डिफरेंस हो जाती है, ठीक है। KCET वालों की फीस थोड़ी कम होती है एंड कॉमेट के वालों की फीस थोड़ी सी ज्यादा होती है, ठीक है। तो अगर KCET एग्जाम के थ्रू आप इस कॉलेज के अंदर आ रहे हो, तो यहाँ पे आपको 60,000 रुपीज पर ईयर पे करना पड़ेगा। एंड अगर आप कॉमेट के एग्जाम के थ्रू आ रहे हो, तो यहाँ पे आपको कॉमेट के थ्रू 2,30,000 रुपीज पर ईयर पे करना होगा थ्रू कॉमेट के। एंड यहाँ पे हॉस्टल एंड मेस के बारे में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर आप हॉस्टल एंड मेस के फीस के बारे में देखो, तो यहाँ पे आपको हो जाएगी 1,10,000 रुपीज पर ईयर तक, मतलब आप चूज कर सकते हो डबल शेयरिंग या फिर सिंगल शेयरिंग, ठीक है। मैं आपको लास्ट बता रहा हूँ सिंगल शेयरिंग फुल AC वाली, वो है आपको 1,10,000 रुपीज पर ईयर की। एंड यहाँ पे आपको बात कर लूँ बॉयज हॉस्टल्स के बारे में, तो यहाँ पे 3 बॉयज हॉस्टल्स अवेलेबल है कैंपस के अंदर। एंड यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल है एक, जो कि आपको एक रेसिडेंशियल एरिया में अवेलेबल है येलहंका के अंदर, जो कि आपको कॉलेज से 4 किलोमीटर की दूरी पर है,
एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आपको कॉलेज अवेलेबल करवाता है, ठीक है। तो वहां से आपको 4 किलोमीटर की दूरी पर आपको गर्ल्स हॉस्टल अवेलेबल है, ठीक है, बीएमएस आईटी की। एंड वहां पे आपको 622 गर्ल्स रह सकती हैं उस हॉस्टल्स के अंदर, ठीक है, जो कि आपको 4 किलोमीटर दूर है कॉलेज से। बात करूँ यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में, तो इस वीडियो में आगे बताऊंगा आपको इस चीज़ के बारे में। एंड मेस के बारे में बात करूँ तो मेस की फूड आपको बता दूँ, यहाँ पे आपको एवरेज फूड देखने को मिलेगी, नॉर्थ इंडियन मेस है और यहाँ पे आपको साउथ इंडियन मेस दोनों मिलेगी, आप जिससे भी आप चाहो उसे आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बात करो इस कॉलेज की कैंपस लाइफ के बारे में, तो कैंपस लाइफ में आपको बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाता है यहाँ पे कॉलेज, जैसे कि आपको मैं यहाँ पे कुछ मेंशन कर लूँ। कैंटीन फैसिलिटी, स्पोर्ट्स फैसिलिटी आपको अवेलेबल यहाँ पे, स्पेशली फॉर इंडोर स्पोर्ट्स एज वेल एज आउटडोर स्पोर्ट्स, ठीक है। आपकी स्क्रीन पर भी डिस्प्ले हो रही है वीडियो, सभी आप चेकआउट कर सकते हो। स्पोर्ट्स में जिमनेजियम के बारे में बात करूँ, यहाँ पे आपको जिम अवेलेबल है कॉलेज के अंदर, एंड फॉर हॉस्टल्स के लिए भी आपको जिम अवेलेबल है यहाँ पे। हॉस्टल के बारे में बता दूँ, यहाँ पे आपको बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है ये कॉलेज, जैसे कि 24 आवर्स वाईफाई एंड पावर, आपको आरओ वाटर प्रोवाइड होगा, गीजर प्रोवाइड होगा, वॉशिंग मशीन अवेलेबल होगा, टीवी रूम अवेलेबल है, जिम अवेलेबल है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी अवेलेबल है, विजिट कनेक्टेड टू हॉस्टल्स, ओके। एंड यहाँ पे फेस्ट के बारे में बात करो, यहाँ पे आपको फेस्ट भी हर साल ऑर्गेनाइज की जाती है, यहाँ पे आपको अलग अलग ब्रांचेस की भी अपने अपनी फेस्ट ऑर्गेनाइज होती रहती है टाइम टाइम पर, एंड सेमिनार्स एंड बहुत सारी चीज आपको ऑर्गेनाइज करवाता है ये कॉलेज। यहाँ पे कॉलेज में आपको बहुत सारी क्लब्स देखने को मिलेगी, अगर आप चाहते हो किसी चीज में इंटरेस्टेड हो तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रही होगी। अगली चीज बात करता हूँ बैड पॉइंट अबाउट BMSIT, तो बैड पॉइंट अबाउट BMSIT में मुझे कुछ खास नहीं लगा, स्पेशली जो एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे अगर आप रिसर्च के लिए जाना चाहते हो तो BMSIT में रिसर्च उतनी अच्छी नहीं मिलेगी, ठीक है आपको यहाँ पे, तो आप रिसर्च में थोड़ा सा ध्यान दो, इससे अच्छी कॉलेज आप देख सकते हो, ठीक है, लेकिन BMSIT में रिसर्च फैसिलिटीज उतनी अच्छी नहीं है। अगली चीज बात करता हूँ, मेन पॉइंट पे आता हूँ, जो इस मेन इस वीडियो की मेन पॉइंट है, प्लेसमेंट्स के बारे में। तो यहाँ पे प्लेसमेंट्स के बारे में समझना यार, यहाँ पे आपको 2020 की प्लेसमेंट्स बताऊंगा इस साल की। तो यहाँ पे प्लेसमेंट्स बता दो, यहाँ पे आपको इस साल 78 कंपनी ने विजिट किया था कैंपस को, एंड यहाँ पे जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है, मास रिक्रूटर्स कंपनी है, दोनों आते हैं इस कॉलेज में प्लेसमेंट्स के लिए। जैसे कि बता दो यहाँ पे आपको अमेजोन, ओरेकल, एडोबी, माइंडट्री, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, वीप्रो, TCS जैसी बहुत सारी आपको 78 कंपनी इस साल विजिट की थी इस कैंपस में बच्चों को रिक्रूट करने के लिए। यहाँ की CSE ब्रांच, इन्फॉर्मेशन साइंस ब्रांच, ECE ब्रांच, जो कि हमारी टेक ब्रांचेस हैं, इनकी प्लेसमेंट बहुत ही अच्छी होती है इस कॉलेज के अंदर। जैसे कि अपने स्क्रीन पर आप उसकी डाटा देख पा रहे होगे इस साल की प्लेसमेंट की, तो यहाँ पे आपको इनकी बहुत अच्छी प्लेसमेंट होती है। एंड CSE, ISE एंड ECE ब्रांचेस की आपको एवरेज पैकेज के बारे में बता दो, तो 6 लाख रुपीज पर एनम इनकी एवरेज पैकेज है आपको CSE, ISE एंड ECE की। अगर आप किसी और ब्रांच से हो तो उन ब्रांचेस की आपको 4.5 to 5 लाख रुपीज पर एनम है एवरेज पैकेज। इस साल की हाईएस्ट पैकेज के बारे में बात करो तो इस साल की हाईएस्ट पैकेज है 20.06 लाख रुपीज पर एनम, इस साल की हाईएस्ट पैकेज गई थी। तो ये बात हो गई हमारी BMSIT यानी BMS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NM यानी BMSIT NM के बारे में। तो इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम से ना भूलें, एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे, ना अभी बहुत सारे वीडियो आने वाली है स्पेशली फॉर कर्नाटका के लिए एंड बैंगलोर के लिए, मैं सब एंगल से आपको वीडियो अवेलेबल करा दूंगा इस चैनल के ऊपर। जरूर से इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अगर आपकी रैंक इसके आसपास आती है, अगर आपको लगता है कि आपको BMSIT मिलेगी तो आप जरूर से इस कॉलेज को लो, मैं बोलूंगा। अगर स्पेशली अगर आपको टेक ब्रांचेस मिल रही है तो उसे आप एकदम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट जाती है इनकी टेक ब्रांचेस के अंदर भी। तो ये रही बात हमारी BMSIT की, होप करता हूं वीडियो पसंद आया हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।